Mandal camp. Okay. Ready? Ready. मेरे लिए हैश टैग फेस एनी थिंग का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि पूरी दुनिया आप पे जितना प्रेशर डाल सकती है वो डालेगी, जितना आपको कह सकती है कि आप गलत हो वो कहेगी. वो कहते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो लोग आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे टू लाइक स्टॉप योर ग्रोथ और टू प्रूव यू अदरवाइज या टू मेक यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ. मगर जब आप उस फियर को, जब आप उस मौके को बिल्कुल आँख में, यू स्टेयर इन टू दैट मोमेंट एंड से आई एम बेटर देन ऑल ऑफ दिस एंड आई कैन फाइट एंड फेस एनी थिंग, देन यू ब्रेक आउट ऑफ दैट, यू नो, आउट ऑफ दैट शील्ड एंड देन यू बिकम अ होल न्यू पर्सन. आई मीन it's metamorphosis, it's compared to what a butterfly becomes when it tears out of that cocoon. It's not easy, bilkul aasan nahi hota hai, bahut takleef hoti hai, magar agar aap us ek second of takleef ko cross kar jate ho then you become masaba. ab main kya bolu, khatam ho gaya sab. I think mere hisab se jo ye ole ka campaign hai is zamane mein bahut hi apt hai, kyunki आई थिंक हम इतनी आवाज़ होती रहती है रोज़, यू नो, विद व्हाट पीपल से एंड इतना सारा क्रिटिसिज्म, इतनी सारी नेगेटिव बातें होती रहती हैं एंड उस नॉइज़ को ड्राउन आउट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन. एंड आई, यू नो, यू कांट जनरलाइज एंड आई थिंक कि जो ओले ने इस बार किया है ये फेस एनी थिंग, इसका मतलब ये है जो कुबरा ने कहा कि नो मैटर वॉट लाइफ थ्रोज एट यू, जो भी आपके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है या मुश्किल ना भी हो, आपके खुद के बहुत सारी मुश्किलें अंदर से बचपन से आपके साथ यू नो रहती हैं, तो उन सब को ओवरकम करने की ही बात है. एंड आई थिंक वो एक मिनट की बात होती है जो अगर आप उसको ओवरकम कर लो तो हर मुश्किल आसान लग जाती है. और आप फिर जब उस मोमेंट को पीछे देखते हैं मुड़ के तो आपको लगता है कि इतना yeah, आसान वो था. इतनी छोटी सी बात थी. इतनी छोटी सी बात थी वो मेरे साथ. लाइक आई हैव बीन बुलीड फॉर माय नेम, आई हैव बीन कॉल्ड कोबरा माय एंटायर लाइफ, बट आई वाज कॉल्ड अ स्नेक, मसाबा द स्नेक, सो आई एम द सेम. सी एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं हमेशा घर जाती थी, रोती थी और कहती थी कि प्लीज मेरा नाम बदल दो, प्लीज चेंज माय नेम, आई डोंट लाइक दिस नेम. और आज आई फील प्राउड ऑफ माय नेम, I feel so comfortable with my identity. क्योंकि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो जाती है. आई थिंक औरतों को लेके ज़्यादातर उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस से आती हैं. यस. और आई थिंक यही बात है फेस एनी थिंग की, कि आपको आपके वेट के ऊपर बोला जाता है, आपके स्किन कलर के ऊपर बोला जाता है, आपके बालों के बारे में बोला जाता है, आप अगर बहुत ज़्यादा पतले हो गए तो भी आपको शेम किया जाता है. तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट आई थिंक द आइडिया इज़ कि आपको आप अपने अंदर जो एक रिजिलियंस है वो बना के रखनी पड़नी होती है एंड देन आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. या इट्स वुमेन्स डे है, लेकिन सब कहते हैं कि लड़का और लड़की इक्वल है, बिल्कुल इक्वली करते हैं, लेकिन फिर भी औरतों को कहीं ना कहीं हर जगह नीचा दिखाया जाता है, जैसे आप दोनों अभी बता रहे हैं. नहीं नहीं आई एम जस्ट गोना से नो, बिकॉज मसाबा सेड दिस कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं, जो ये कंसेप्शंस हैं या क्रिटिसिजम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ जेंडर एंड नॉट नेसेसरली द फीमेल जेंडर. इट्स नॉट लाइक बॉयज़ आर नॉट बुलीड, इट डजेंट मीन दैट बॉयज़ आर नॉट हर्ट, इट डजेंट मीन दैट देर इज नो स्टेट ऑफ, you know, mental insecurity for one gender over the other. ऐसा बिल्कुल नहीं है. And as the generation of today, क्या हम वो कर सकते हैं कि वो जो gap है हम equally bridge कर सकते हैं, so that there is equality for the boy and the girl. Can we do that? जो past में हुआ वो हुआ, ठीक है. I wasn't raised like that. आज भी मेरे लिए मेरे भाई को वही मिलता है जो मुझे मिलता है, उसे भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो मुझे मिलती हैं, बट दैट्स द वे आई वॉज रेस्ट टच वेरी लकी. मगर
टुडे अगर मैं ऐसा होते हुए देख सकती हूँ, कैन आई ब्रिंग इट अप सो दैट इट डजंट हैपन इन द फ्यूचर? कैन आई रेज माई चिल्ड्रन टू बी इक्वल? कैन आई ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट आई वॉन्ट टू सी? येस आई कैन. सो ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे आई थिंक इट्स फॉर एवरी मदर, एवरी वुमन, एवरी मैन टू टेक अ प्लेज टू से वी आर इक्वल एंड इट गोज बियॉन्ड जेंडर. एंड आई थिंक ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो जब हम अब इतने दूर आ गए हैं. करेक्ट. इतने में भी बहुत टाइम लगा, काफ़ी साल लगे लोगों का माइंडसेट बदलने में और वुमेन्स एम्पावरमेंट में. लेकिन मेरे हिसाब से फेमिनिज्म वो है जो आप आदमी को नीचा ना दिखाएं, आप बस इक्वल्स हैं और आपको इक्वल राइट्स मिलनी yeah. चाहिए हर एक स्फीयर में. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट शेम मैन इन ऑर्डर टू मेक वुमेन लुक गुड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट बिकॉज आई थिंक इट्स बिकम लाइक दैट. इट्स द सेम विद यू नो अ फेयर गर्ल और अ डार्क गर्ल और अ बिग गर्ल और अ स्मॉल गर्ल. हर बात में एक को नीचा दिखाया जाता है, दूसरे को ऊपर. हम सब साथ में ग्रो कर सकते हैं यार, देयर इज इनफ स्पेस. बट आई थिंक इट विल टेक टाइम. या टेक टाइम, बट हु इज इन अ हरी? या आई एम नॉट. या लेट्स जस्ट ग्रो टुगेदर, एंजॉय द चेंज. वो चेंज डिफिकल्ट है मगर लेट्स एंजॉय इट. ओके, आप दोनों से जानना चाहिए, आप दोनों ने यहाँ पे आपने अनएट्रेक्टिव और आपने बियर्डो को कट किया है, तो इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहेंगे, क्या है इसके पीछे की स्टोरी? तो मैं पीआरटी ने दिया, नहीं जोकिंग. नो बस कौन होगा. सो जब मैं बहुत छोटी थी तो बिकॉज आई वाज नॉट कन्वेंशनली कंसिडर्ड गुड लुकिंग एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव जस्ट मेड अप, इट्स द रियलिटी ऑफ गोइंग टू अ स्कूल वेयर यू नो देयर वर अ सर्टेन काइंड, गर्ल्स लुक्ड अ सर्टेन वे, देयर हेयर वाज अ सर्टेन वे, देयर बॉडी टाइप्स वर अ सर्टेन वे. मैं बहुत ही एथलेटिक थी, मैं टेनिस खेलती थी और मैं सारा दिन धूप में यू नो लाइक अ बॉय रोलिंग अराउंड. सो आई जस्ट फील लाइक जो लड़के थे दे यूज टू कॉल मी अ मैन, लाइक यू नो आई वाज अ टॉम बॉय. या बट आई वाज नॉट इवन अ टॉम बॉय, आई वाज अ मियर मैन. सो यू नो बिकॉज आई वाज ब्रॉड शोल्डर्ड एंड दिस एंड दैट, सो आई वाज नॉट कंसिडर्ड अट्रैक्टिव, सो आई वाज कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव बट हॉट, यू नो. तो वो हॉट तो अब हुआ है, तो तब तक तो मैं अनअट्रैक्टिव ही थी. तो मैंने अभी स्ट्राइक कर दिया नीचे, हॉट लग दूंगी रख दूंगी. बट आई जस्ट थिंक कि जो बचपन से आपको और लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपके साथ स्कूल में हुआ, बचपन में हुआ, वो आप भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते. वो आपके साथ काफ़ी काफ़ी साल आपके साथ ट्रैवल करता है आपके माइंड में, लेकिन आप इन सब चीज़ों को कितनी कितनी देर अपने दिमाग में रख सकते हैं. तो आई जस्ट डिसाइडेड टुडे दैट आई वॉन्ट टू स्ट्राइक इट आउट ऑफ माई माइंड एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाव. आई मीन फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन लाइक अरे यार इसको तो कोई सोच ही नहीं है यार, किसी से भी घुल मिल जाती है, कहीं भी चली जाती है, बाइक पे बैठ जाती है, शी डज व्हाटएवर शी वांट्स टू. वेरी सिमिलर यू नो बिकॉज आई वॉज वेरी एथलेटिक, या शी इज़ नॉट लेडी लाइक, हंस के किसी से भी बात कर देती है. शी वॉक्स इन टू अ रूम एंड शी सेज़ हाई टू ऑल पीपल इन द रूम. शी इज़ नॉट ये थोड़ा वियर्ड है, यू नो शी इज़ अ लिटल ऑफ. सो आई एम नॉट वियर्ड, दिस इज़ हु आई एम. ओके, बट जैसे कि आपने अभी ये सारी चीजें जो बताई है, डोंट यू थिंक दिस हैपेंस ओनली टू गर्ल्स नॉट टू बॉयज? नो, आई थिंक इट हैपेंस टू बॉयज आल्सो. एब्सोल्युटली. या 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 इट हैपेंस टू बॉयज इफ यू नो, अगर कोई लड़का फॉर एग्जांपल ये सब नहीं करता, बाहर नहीं खेलता, सारा दिन मतलब किसी बुक में लगा, देन ही इज अ नर्ड एंड ही इज सो वियर्ड. या ही इज सच अ गीक. और इफ उसको लड़कियां नहीं पसंद, उसको डेटिंग डेट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो आर यू अ सिसी? व्हाई यू आर नॉट एनीथिंग, यू आर हु यू आर ग्रोइंग टू बी. देयर्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. आई कॉल अ लॉट ऑफ बॉयज वियर्ड इन स्कूल बिकॉज आई वाज लाइक देयर सो weird, like you know, and today also, like you know, if you meet men who are not you know like forthcoming or who aren't you know outspoken, chupchap baithe rehte hain, to aap bolte thoda weird hai. It takes you a second to say that. Magar agar ladki utna hi bole to oh, magar wo ladki weird hai, to I mean what is the point? Can we not just be who we are? Yeah. This is who I am. Sorry, okay. Too late to change. Okay, also aap to guys last question. After so many criticism, when was that moment जब आप लोगों को ये चीज़ realize हुआ कि that finally मैंने अब
कुछ ऐसा अचीव किया है और अब मुझे कोई यू नो जब लोग बहुत कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अब मुझे लोग नहीं बोलेंगे, मैंने उनका मुंह बंद कर लिया. हाय दैट मोमेंट. I don't think that moment exists. Thank you, ma'am. Oh wow, I was waiting for this answer. Coming and going and coming and going. हर हर बार जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ नया ना भी करें, if you're going about life regularly, I think you just have to keep fighting that moment because when you have a child and then when you have, you know, you have another child and then you become a grandmother, there will be so many moments and हर एक का phase, हर एक की journey बहुत अलग होती है. और हर एक जर्नी पे यू मीट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स विच यू हैव टू कीप फाइटिंग. आई थिंक इट्स एन एवरीडे बैटल और रोज़ सुबह उठ के आपको एक डिसीजन बनाना है, दिस इज़ व्हाट आई विल अलाउ टू अफेक्ट मी, दिस इज़ व्हाट डज नॉट अफेक्ट मी एंड आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. इट्स ओनली अबाउट प्रायोरिटाइजिंग द चॉइसेस यू मेक. यू विल ओनली बी एज अफेक्टेड एज यू अलाउ समथिंग टू अफेक्ट यू, यू नो. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ घंटे, वो क्या कहते हैं, एवरी आवर ऑन एवरी बेस, एवरी आवरली बेसिस देर वुड बी समथिंग बिकॉज योर ब्रेन इज़ कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग, राइट? तो यू ओनली फीडिंग योर सेल्फ, यू नो, थॉट्स, गुड बैड, बट द अवेयरनेस टू नो दैट दिस इज़ अफेक्टिंग मी एडवर्सली या ये नेगेटिव है, उसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो आप पे निर्भर है. सो हाउ स्ट्रॉन्ग कैन यू बी मेंटली सो दैट यू कैन गो आउट देयर एंड फेस एनीथिंग, बिकॉज दिस एनीथिंग विल हैपन ऑल द टाइम एवरी टाइम. कैन यू फेस इट? कैन यू बी मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग? कैन यू बी दैट रेजिलिएंट? कैन यू बी दैट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन इज द क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. ओके, कोकोरा आल्सो आस्क दिस आई थिंक, यू नो 2019 में तीन वेब सीरीज आपकी आने वाली है. वाह, जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत एक जानना चाहेंगे उसके बारे में. सो वेरी ग्रेटफुल फॉर लास्ट ईयर, बट दिस ईयर आई एम वर्किंग विद अलंकृता श्रीवास्तव. आई हैव अ फैबुलस शो फॉर अगेन बालाजी कॉल्ड वर्डिक्ट. Then a show for Woot and a show for Tripling too. So I have a cameo and I'm damn excited. It's really cool stuff. Can you tell us something? Hmm, dead no. Wow. Do you want to tell us something about your film? No. You see. Okay, lastly. OTT platform. You have to pay a subscription. Okay, lastly, Women's Day for Women's ke liye koi message? I love it. Women's Day ke liye message. It is the 8th of March. It's celebrated as International Women's Day. But it is not just that one day when you need to feel the best of yourself or celebrate your sexuality or your gender or who you are as an individual. Take this day to celebrate every day for the rest of the year and for as long as you are alive. Happy Women's Day. She's always saying what I have to say. Happy Women's Day. I just want to say that today is a great day to make a new start. Even though you can make a start any day, but today is a great day if you need a date attached to it. So make a new start. Change how you think. Change how your friends and family, loved ones, everyone who you can make a little bit of difference with think. And empower yourself. Empower them. Empower everyone around you. And live a life that you're proud of and that you're happy with. Happy Wednesday. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can we clap for y'all? Good job, guys. Please come. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you, ma'am.